संसद का विंटर सेशन आज से शुरू होने जा रहा है। सेशन में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, राजनीतिक सरगर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं। नतीजे बहुत उत्साहजनक है, उन लोगों के लिए उत्साहजनक है जो आम लोगों के कल्याण के लिए, देश के लिए और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा कि सभी समाजों और सभी समूहों की महिलाएं, युवा, किसान और मेरे देश के गरीब लोग, ये वह 4 महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनके सशक्तिकरण भविष्य को सुनिश्चित बनाने वाली ठोस योजनाओं को भरपूर समर्थन दिया जाएगा। जब अच्छी गवर्नेंस और जनहित का समर्थन होता है तो एंटी इनक्यूम्बियंसी इरेलेवेंट हो जाती है। हम देख रहे हैं कि कोई इसे गुड गवर्नेंस कहता है तो कोई इसे प्रो इंडिपेंडेंस कहता है। ये परिवर्तन अब लगातार आ रहा है। मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने संसद भवन का जिक्र करते हुए कहा, हमने देखा है कि जब अच्छी गवर्नेंस सुनिश्चित हो जाती है तो एंटी इनकम्बेंस जैसा शब्द इनरेलीवेंट हो जाता है। इतने अद्भुत जनादेश के बाद आज हम नए संसद में मिल रहे हैं। जब नए संसद का उद्घाटन हुआ था तो उस समय एक छोटा सा सेशन के साथ एक ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का बहुत अच्छा और व्यापक अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बढ़ते हुए कहा कि लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए और साथ ही विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मेरा सभी माननीय सांसदों से विनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर रहे हैं कि आए और सदन में जो भी बिल रखे जाएं उन पर गहरी चर्चा हो। विपक्ष को एडवाइस देते हुए उन्होंने कहा, अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजे के आधार पर कहूं तो ये विपक्ष में बैठे हुए साथियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। विपक्ष को एडवाइस देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो ये विपक्ष में बैठे हुए साथियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। इस सेशन में पराजय का गुस्सा निकालने के बजाय अगर इस पराजय से सीखकर पिछले 9 साल में चलाई गई निगेटिविटी की प्रवृत्ति को छोड़कर इस सत्र में अगर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण भी बदलने की कोशिश करेगा। देश में अब नेगेटिविटी को नकारा है। सेशन के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है। सबके सहयोग के लिए हम हमेशा आग्रह करते हैं। इस बार भी यह सभी प्रक्रियाएं को पूरा किया जाएगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात निचोंग से निपटने की तैयारी का जायजा लेने के लिए रविवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवाती तूफान निचोंग तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत मौसम विभाग MID ने बताया कि तूफान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। विभाग के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचने पर चक्रवात के फिर से मुड़ने और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। यह 5 दिसंबर को एक तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से गुजर सकता है। चक्रवात को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने 144 ट्रेनें रद्द कर दी। वहीं बंगाल की खाड़ी में पूर्व में आए चक्रवात निचोंग के प्रभाव के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही दिखेगी, जिसके कारण भदोही जनपदों में भी हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक सर्वे बर्नवाल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान निचोंग का असर अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल सहित देश के विभिन्न भागों में पड़ने की संभावना प्रबल है। निचोंग के कारण पूर्वा हवाएं बनी रहेंगी, लेकिन उसकी गति में वृद्धि देखने जाने की भी आसार हैं। जिससे सिरहन के साथ हवाएं 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच की गति से चल सकती हैं। प्रतिदिन आंशिक धूप से रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि दिन का तापमान वर्तमान की तरह 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा जाएगा। घने कोहरे का प्रभाव भी अभी जनपद में प्रतिदिन देखने जाने का आसार है। चक्रवात निचोंग के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ क्षेत्र बारिश के प्रभाव में आएंगे। ऐसे में खेत में बड़ी अथवा कटी हुई धान की फसल को तत्काल संवारने की जरूरत है। मौसम के रुख को देखते हुए किसानों से अपेक्षा की गई है कि युद्ध स्तर पर धान की मड़ाई कर उत्पाद को सुरक्षित कर ले। अगली खबर, मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे शुरू हो गयी, अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मिजोरम के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी H. नियान जेला ने पीरियाई भाषा को
बताया कि सभी 13 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि 13 केंद्रों पर 40 विधानसभा सीट में से प्रत्येक के लिए एक मतगणना हाल बनाया गया। मिजोरम में मतगणना रविवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ होनी थी, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों, गिरजाघर और छात्र संगठनों की अपील के बाद निर्वाचन आयोग ने इसे स्थगित कर दिया, क्योंकि रविवार का दिन ईसाई बहुल मिजोरम के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। नियांजेला ने बताया कि सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती हो रही है और ईवीएम में पड़े वोट की गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। एच नियांजेला ने कहा कि 12 विधानसभा क्षेत्रों वाले आइजोल जिले में 3 मतगणना केंद्र और 10 अन्य जिलों में एक एक केंद्र स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर जहां मतदाताओं की संख्या कम है वहां केवल 2 दौर की गिनती होगी, लेकिन अधिकतर निर्वाचन क्षेत्रों में 5 दौर की गिनती होगी। मतगणना प्रक्रिया में 4,000 से अधिक कर्मी शामिल है। मिजोरम विधानसभा के लिए मतदान 7 नवंबर को हुआ था और राज्य के 8.57 लाख मतदाताओं में से 80% से अधिक ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया था। चुनाव में 18 महिलाओं के सहित कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस ने 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। मिजोरम में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा 17 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। अगली खबर, चेन्नई में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगहों पर जलभराव की समस्या सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर बी गुगनेशन, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दक्षिण रेलवे के अनुसार, खतरे के स्तर से ऊपर बह रहे पानी को देखते हुए सुरक्षा कारणों से बेसिन ब्रिज और व्यासर पाड़ी के बीच पुल नंबर 14 को बंद कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप आज डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल से खुलने वाली ट्रेन रद्द कर दी गई है। मिशोंग चक्रवात मौसम विज्ञान केंद्र चेन्नई के उप महानिदेशक बालाचंद्रन ने कहा कि हमने चेतावनी दी है, खासकर चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम जिलों में भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु के 10 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। साथ ही इन जिलों में कई स्थानों पर हल्की गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज भी तमिलनाडु के कांचीपुरम और कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है, जिसके कुछ इलाकों में जलभराव हो गया है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव में भाजपा की निर्णायक जीत का असर आज शेयर बाजार में देखने को मिला है। आज मार्केट खुलते ही इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सोमवार को नए जीवन काल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। BSE सेंसेक्स 900 अंक बढ़कर 68.384 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया और NSE निफ्टी 50.280 अंक उछलकर 20,550 पर पहुंच गया। SBI, LND, NTPC, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक आदि बैंक और बजाज फाइनेंस ने सेंसेक्स पर 2% की बढ़त हासिल की। अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स में निफ्टी को 8% तक की बढ़त दिलाई। ब्रिटानिया 0.11% की गिरावट के साथ एकमात्र सूचकांक हारने वाला था। BSE पर ब्रॉडर मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों ने लगभग 1% की छलांग लगाई। सेक्टरों में NSE पर PSU बैंक इंडेक्स 2.6% की बढ़त के साथ चार्ट में शीर्ष पर रहा। निफ्टी बैंक, ऑटो और मेटल पॉकेट में 1% से ज्यादा की बढ़त रही। धन्यवाद।